हाय, बड़ों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आधार कार्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आम सभी के लिए, जो भी इंडियन से हैं। और ये खास तौर सभी में जितने भी गवर्नमेंट से स्कीम होते हैं या किसी भी तरह का कोई काम पड़ता है, तो ये आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हमें सख्त इसकी ज़रूरत होती है। तो बात करते हैं आधार कार्ड, जिन भी लोगों का बन चुका है, उन आधार कार्ड के अंदर बहुत सारे लोगों का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर यानी कि मेल, फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह से बहुत सारी खामियां यानी कि कुछ एरर यानी कुछ इश्यूज हैं या प्रॉब्लम है, यानी कि उनका अपडेट कुछ गलत हो चुका है। तो उस केस में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स की क्या लिस्टेड हैं, जो आप सही डॉक्यूमेंट लगा देंगे तो आपका आधार अपडेट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो का पार्ट वन है, जिसमें आधार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यानी कि लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया जाएगा जिसमें कि आपके आधार अप्रूव हो जाए यानी जनरेट हो जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की, यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में ये होता है कि आप जैसे अपना नेम वगैरह आप चेंजेस कराना चाहते हो तो उस केस में इसे जरूरत होती है। तो टोटल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में 32 डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूआईडी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टू है। तो पहला डॉक्यूमेंट का यहाँ पे लिस्ट है जो मैं आपको शो करा देता हूँ। फर्स्ट में होता है पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पीडीएस फोटो कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड, यानी कि अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिट में हैं तो उस केस में भी चलेगा, नरेगा का जॉब कार्ड, फोटो आईडी इशूड बाय द यानी कि आपके स्कूल, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फोटो आईडी कार्ड स्टूडेंट का मिलता है वो भी चलेगा, आर्म लाइसेंस, फोटो बैंक एटीएम कार्ड, फोटो क्रेडिट कार्ड, पेंशनर फोटो कार्ड, यानी फोटो एटीएम कार्ड, फोटो क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल सभी के पास जो एटीएम कार्ड होता है उस पर फोटो नहीं, उनका नेम लिखा होता है और कार्ड नंबर होते हैं। आजकल चलन में है इमेज फोटो एटीएम कार्ड, उसमें आप क्रेडिट कार्ड या फोटो यानी डेबिट कार्ड पे अपना फोटो प्रिंट करा सकते हैं, वो भी एप्लीकेबल होता है इसके लिए। पेंशनर फोटो कार्ड, फ्रीडम फाइटर फोटो कार्ड, किसान पासबुक यानी फोटो पासबुक, उसमें फोटो लगा होना चाहिए, CGSS या ECHS यानी जो गवर्नमेंट इंप्लाई है उन लोगों के लिए ये होता है, एड्रेस कार्ड हैविंग नेम एंड फोटो इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट जो जारी किए गए हैं जिसमें आपका नाम और फोटो लिखा हो वो आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में मान्य होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी हैविंग फोटो इशूड बाय द गेस्टेड ऑफिसर, यानी यूआईडी की एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उस पर आप इसे गेस्टेड ऑफिसर या तहसीलदार से आप अटेस्टेड करा के दे देंगे, वो भी इसमें चलेगा, डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, हैंडीकैप या मेडिकल सर्टिफिकेट है स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट का तो वो भी चलेगा, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड जिसे कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टेट के अंदर ही होता है, सर्टिफिकेट फ्रॉम सप्रीमेंटल वार्डन, ये भी आप कोई एनजीओ की तरफ से आप कर रहे हैं तो उसमें भी ये डॉक्यूमेंट्स मान्य होते हैं, सर्टिफिकेट आईडेंटिटी हैविंग इशूड बाय द एमपी या एमएलए या एमएलसी या म्यूनिसिपल काउंसलर, अगर आपको यूआईडी के स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आपको दे देता है तो वो भी इसी चलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी यानी कि अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो मुखिया अपने लेटर हेड पे दे सकते हैं या फिर यूआईडी के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जिसमें आपका नाम और फोटो अटेस्टेड हो तो वो चलेगा, गेजेटेड नोटिफिकेशन फॉर द नेम चेंज, अगर आपका नेम पहले आधार बना हुआ है उसमें नाम गलत है और आपका नाम चेंज हो गया है तो आप उस केस में गेजेटेड का नोटिफिकेशन नेम चेंजेस का दे सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ, RSBY कार्ड, ये एक तरह से जैसे आयुष्मान भारत है वैसे ये कार्ड होता है जो हेल्थ से रिलेटेड होता है, SSLC बुक हैविंग कैंडिडेट फोटोग्राफ, यानी कि जो पुराने लोगों ने हाई स्कूल किया था या उस टाइम उनकी 5वीं 8वीं 7वीं बोर्ड थी उस टाइम उन्हें एक बुक मिला करता था वो भी चलेगा, स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसमें ST ST और OBC यानी कि आपकी जाति का जो प्रमाण पत्र है वो भी चलेगा जिसमें आपका फोटो लगा हो और आपका नाम लिखा हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी SLC TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये सब चलेंगे जिसमें आपका नेम और फोटोग्राफ मेंशन हो, कोई स्कूल का रिकॉर्ड हो वो भी चलेगा, बैंक पासबुक जिसमें आपका नाम और फोटोग्राफ्स लिखे हों, सर्टिफिकेट आइडेंटिटी यानी कि आपके स्कूल की तरफ से कोई अगर या उनके लेटर हेड पे भी आपके नेम डिटेल्स को दे दिया जाएगा तो उससे भी आपका अपडेट या इनरोलमेंट किया जा सकता है, जो लास्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है EPFO के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में या फिर आप UID के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करके EPFO के जो ऑफिसर्स हैं उनका स्टैम्प करवा सकते हैं या फिर आप EPFO के उनके लेटर हेड पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपको करके दे देंगे वो भी इसमें चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोगों ने जाना है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार अपडेट या एनरोलमेंट के लिए हमें किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। अगले वीडियो में जानेंगे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि अगर हमें डेट ऑफ बर्थ चेंजेस कराना है तो उसके लिए क्या करना होता है। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप हमें बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, लोगों से ज्यादा तक शेयर करें और इस चैनल पर बने रहें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक को फॉलो करें।